नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। जिस तरह से कोरोना का जो महामारी संक्रमण है, इसको लेकर के देश ही नहीं विदेश में भी स्कूल बंद रहे हैं, कई शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं, ऑफिस बंद रहे हैं, इसको लेकर के स्कूल भी बाधित हुआ, स्टडी भी बाधित हुआ। इसके अलावा जो बहुत सारे चीज़ हैं जो कोरोना को लेकर के बाधित हुआ। इसके अलावा जो है, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर 370 धारा हटा है, और इसके अलावा CAA का जो मामला है इसको लेकर के भी कई समस्याएं वहाँ पे हुई। तो चूंकि जम्मू कश्मीर का मामला है तो हम जानते हैं। आप पहले तो आपको बिफोर प्रिंट में स्वागत है जी। थैंक यू। जो जम्मू कश्मीर में जो एजुकेशन की व्यवस्था है, 370 धारा हटा, तो वहाँ की अब क्या स्थिति है? देखिए, 370 के एब्रोगेशन के बाद अब 19 महीने तकरीबन होने को हैं, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, सारे स्कूल बंद हैं, बच्चे तालीम से दूर हैं। अब जो नफसियती तौर पे बच्चों पे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अब डेवलप होती जा रही हैं, अगर जो उन पे ज़्यादा इस वक्त रिसर्च नहीं हो रहा है, लेकिन मजमू देखा जाए तो इस वक्त बहुत ही ग्रिम सिनेरियो है। आप जानते हैं कि जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद वहाँ पे लैंडलाइनें तक भी बंद हो गई, कर्फ्यू का समय था, और कहीं मैंने ऐसी सिचुएशन रही सबके सब घरों में बंद थे। उसके बाद कोरोना की जो ये सिचुएशन बनी, तो अगर प्राइवेट स्कूलों ने या सोसाइटी के किसी भी तबके ने कुछ करना चाहा, नहीं कर पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से स्पेशल एक्ट था और उसके तहत से वैसे भी सरकार छापे वगैरह डालती थी पुलिस। इस वक्त हालत यह है कि तकरीबन 200-300 स्कूल ऑन सेल है, जो स्कूल बेचना चाहते हैं क्योंकि फीस नहीं आ रही है। इधर से सरकार अपने स्कूलों पर तवज्जो देने के बजाय लगातार प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कोई ना कोई आर्डर निकाल रहे हैं। इवन ये पहली बार हो रहा है कश्मीर की हिस्ट्री में कि प्राइवेट स्कूलों को सील किया जा रहा है, उन पर छापे डाले जा रहे हैं। अगर छापे पड़ने का क्या कारण है? अगर उन्होंने ऑफिस खोला या अगर उन्होंने स्कूल खोला असाइनमेंट देने के लिए या कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी करने के लिए, या स्कूल की पोजीशन देखने के लिए कि स्कूल किस पोजीशन में है, मामूली भी कोई एक्टिविटी अगर एजुकेशन के तौर पे हुई तो पुलिस छापे डालती है, एक बात। दूसरी बात यह कि इस वक्त जो कश्मीर की सिचुएशन है, देखिए सारी चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन तालीम को आप बाद में, जो तालीम हाथ से गई वो गई, वो वापस नहीं आ सकती है। इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि बच्चे पेरेंट्स सब परेशान हैं, और आज भी दूसरी बार हमने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगाई है, आज सारे अखबारों में आया है कि दूसरी बार हम सुप्रीम कोर्ट अब जाने के लिए मजबूर हो गए। उम्मीद है कि इस बार कुछ न कुछ होगा, क्योंकि अब जितने भी सरकार ने आज तक स्टैंड लिए वो सब के सब वो शराब साबित हो गए। जितने भी गवर्नमेंट के पास जितने भी लॉजिक थे वो खुद कंट्राडिक्टरी साबित हो गई। और अगर इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट से खुदा न खास्ता कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर और कोई होप भी नहीं है। और ये एक ऐसी मुसीबत है, एक ऐसा अलमिया है जिसके असरात पता नहीं कितने भयानक साबित होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी एक तालीमी, एक जिसको कहते हैं कि एक तालीमी बहरान से दोचार है। जिस तरह कश्मीर से बाहर बच्चों को ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो ऑनलाइन टीचिंग ले पाते हैं, लेकिन कश्मीर में चूँकि 4G इंटरनेट सर्विस पे बैन है, हाई स्पीड इंटरनेट जो है वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हमारे बच्चे एट ए डिसएडवांटेजस पोजीशन पे है, यानी उनके साथ बाकायदा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं? फिजिकल स्कूलिंग भी बंद है, ऑनलाइन वो हाई स्पीड इंटरनेट ना होने की वजह से ऑनलाइन स्कूलिंग भी नहीं चल रही है। इस तरह से एक बुहरानी सिचुएशन से पूरा कश्मीर इस वक्त दो चार है, हर घर परेशान है, हर फर्द परेशान है, कोई सुनने के लिए राजी नहीं। तो वहाँ जो 370 धारा जो पहले था, अब वो हटने के बाद क्या मतलब सिचुएशन है? देखिए, धारा 370 हटने के बाद अभी तक तो कश्मीर बंद ही है, अभी कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी है नहीं। देखिए, मीडिया पे कुछ भी कहा जाए, लेकिन फैक्ट ये है कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पिछले दिनों 370 धारा हटने के बाद तो पिछले दिनों मामूली बर्फ हुई, तो कितने ही दिन रोड बंद रहे, हाईवे बंद, एयर ट्रैफिक बंद। वजह क्या है कि कोई डेवलपमेंट नहीं है, खासकर एजुकेशन की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। तो उस तरह से ये कहा जाए कि 370 को हटने के बाद डेवलपमेंट काम तो वैसे भी मुतासर होगा,
लेकिन एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा बुरा असर जो है वो एजुकेशन पे पड़ा, क्योंकि पूरे के पूरे स्कूल आज तक बंद है। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो 370 धारा हटा और हटने के बाद जो है एक कोरोना का भी महामारी आ गया, इसके वजह से जो वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से ठप हो गया है। और ठप क्या कहेंगे, मतलब बहुत जगह जो है कि 4G है, ठीक है, 3G है, तो वहाँ पे नेट की भी व्यवस्था उतना डेवलप नहीं है ताकि वहाँ पे ऑनलाइन भी क्लास कर सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से बंद हो गया है। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। पहले तो रिपोर्ट में इनको आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी इस मीडियम के थ्रू हम बात कह पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि कश्मीर में मीडिया ऑलमोस्ट सेंसर्ड है। वहाँ की सही खबरें तो नेशनल जो है जो मीडिया आमतौर पर नशर नहीं करता है। ये अच्छी बात है कि आपके थ्रू बात कहने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने बिफोर पिन को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अब दूसरे खबरों की तरफ, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।